शिवपुरी की महल कॉलोनी में रहने वाली महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। मामले को लेकर महिला के परिजनों ने हंगामा किया और महिला के ससुराल वालों पर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार सराफा बाजार की रहने वाली राशिका खंडेलवाल 27 वर्ष का शव घर में फंदे पर झूलता मिला। राशिका ने 1.5 साल पहले नरूला से प्रेम विवाह किया था। राशिका की मौत के बाद ससुरालियों ने राशिका की मां को फोन किया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली है। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतिका के शव को अस्पताल ले आए। यही मृतिका राशिका के परिजन आ गए और हंगामा किया, जिसे देखकर ससुराल पक्ष के लोग मौके से भाग गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि राशिका की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में मर्ग दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर ये भी क्या मामला आया है? राशिका खंडेलवाल नाम की लड़की है, लगभग एक वर्ष में शादी हुई थी, उसने सुसाइड किया है। अभी पीएम चल रहा है, उसकी जांच चल रही है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये दहेज हत्या का मामला है। सर आरोपियों के बारे में क्या जानकारी? आरोपियों के बारे में स्टेटमेंट नहीं लिए हैं, जो ये बताएंगे उस हिसाब से कार्रवाई। क्या नाम है आपका? राम खंडेलवाल। क्या हुआ है ये आपके साथ, क्या मामला है? पता नहीं साहब क्या घटना हुई है। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो कोई नहीं था, उसकी बच्ची बिल्कुल मरी हुई स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी और पता नहीं क्या हुआ है, इन लोगों ने कैसा मारा है उसको, कुछ समझ में नहीं आया ना। पाँच गले पे भी निशान है उसके, सब कुछ निशान है और मेरे को पता नहीं मेरी बच्ची चली गई। मेरी बच्ची तो क्या मानते हैं आप, हत्या की गई है? जैसा आपने कहा साहब, तब कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी चोरों के खिलाफ। इन्होंने मारा है मेरे को, बिल्कुल 100% पूरा है कि इन्होंने मारा है अपनी बच्ची को। जो ससुराल वाले हैं वो कहाँ हैं? वो सब भग गए साहब छोड़ के। क्या क्या नाम है उनका? अमन डावर नाम है, आकाश डावर नाम है और उसकी माँ का नाम मेरे को पता नहीं है। वो आंगनबाड़ी में है, डावर है वो भी, और सतीश नरूला वगैरह जो सब उनके मामा वगैरह हैं। पति का नाम क्या है उनकी, उनके पति का नाम क्या? अमन डावर। वो लोग भी नहीं, सब लोग भगते हैं। आपको चाचा ने धमकी दी थी ना? और चाचा ने धमकी दी है कि पहले मुझसे निपट लो, अमन से क्या निपटोगे? कहीं उसके चाचा इंदौर से धमकी दे रहा है मेरे को, बताइए आप। किस वजह को लेकर आपको धमकी दी है? धमकी क्यों दी आपको? पता नहीं साहब, मैंने कही थी उनका फोन लगाया था, कहाँ है वाले, तो मुझसे कही कहा, मैंने उससे कही थी यार साले हाथ से जरिए तेरे को बताऊँ मैं। तो आपकी बेटी की शादी कहाँ पर हुई थी? मेरी बेटी साहब सीपी में लोकल शादी हुई थी, मतलब मेरी स्त्री बच्ची की। कहाँ पर हुई थी? ये अपने कृष्णपुरम में। आप कहाँ रहते हैं? मैं हलवाई खानी में रहता हूँ, प्रगति बाजार। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है राशिका खंडेलवाल। आपकी बेटी की? हाँ साहब, मेरा भाई थे बड़े, उसकी उनकी बच्ची, वो मेरे भाई छोटी सी छोड़ के इसको खत्म हुए थे, मैंने ही पाला पोला अच्छा बच्चों और कुछ नहीं। तीन बेटियाँ मेरी, तीन उनकी तीन बच्चियाँ थी, सब बच्चों में शादी कर ली, दूसरे नंबर की बच्ची है। क्या चाहते हो आप? इन सबको सजा, और क्या सबको सजा, मेरे को इंतजाम मिलना चाहिए। नहीं मेरे को इंतजाम मिला तो बेटी तो गई, मैं कल लाश रख को मचाऊंगा चेहरे के अंदर। सीधी बात थी। क्या नाम है आपका? मनीष गर्ग मंजू। ये बच्ची की जो मौत हुई है, क्या घटना है? घटना जी है साहब, हमारे पास, मैं घर पे था, एकदम मोहल्ले में भगदड़ हुई तो भगे, तो पता लगी कि साहब वो बच्ची ऐसे ऐसे, वहाँ से फ़ोन आया हॉस्पिटल से, वहाँ देखा तो बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी, स्ट्रेचर पे डली थी। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसको फांसी लगा के मारा गया है, लगाइए या लगा के मारा गया है। लेकर फोन आया था? उन्हीं वही लोग लेके आए थे, तो हमें कोई माँ पे लड़की, हमें तो मरी मराई मिली। वो लोग हमें क्या मालूम, कैमरे बताएंगे ना हॉस्पिटल के, हमको क्या मालूम था? ये जो यहाँ खत्म हुई है, ससुराल था कि मायका था? जी ससुराल में हुई है। क्या नाम? नहीं खत्म कहाँ हुई है, ससुराल में हुई है। क्या नाम है? राशिका खंडेलवाल। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री नवल खंडेलवाल। पति का नाम? पति का नाम अमन सचदेवा। उम्र कितनी होगी इनकी? लड़की की है 27 साल। तो आप अभी बता रहे हो कि इनके परिजन यहाँ पे मौजूद नहीं, क्यों नहीं है, क्या कुछ घटना? तो आपको, आप मीडिया चलाती हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, आपको माल समझना चाहिए कि जिनकी बहू, उनके घर में ही उनने मार डाली, अब मार डाली तो जहाँ दिखना चाहिए ना साहब। चलो हम तो कह गिर गई, जब दिखो तो सही, तुम जा ही नहीं हो, हॉस्पिटल से फरार हो गए, सब खड़े हैं हम, आप लोग हाँ, ताऊ चाचा। क्या मानना है, क्या उसकी हत्या की गई है? क्या इससे पहले कोई मारपीट वगैरह करते थे? तो करते थे आप, वो तो सब पता लग जाएगा था, दो चार दिन में आप कह रहे ये मिट्टी को ले लगाए पहले तो शांति। पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस ने ही पीएम के लिए बॉडी भेजी है। बॉडी भेजी है,
कहाँ के रहने वाली है लड़की? लड़की जी कृष्णपुरम में रहती है, और पहले जी प्रगति बाजार हलवाई खाना हमारे मोहल्ले में रहती है, हमारे घर के बिल्कुल बगल में। क्या काम करती है इनके पति? इनके पति तो मर गए साहब, कुछ काम भी तो लड़की के हस्बैंड। हाँ साहब जी नमकीन वमकीन का काम करते हैं इनकी माँ। किस नाम से चलता है नमकीन? बालाजी नमकीन के नाम से इन पे एजेंसी है। आपके ले फोटू भैया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।